नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको एक सिक्योरिटी फीचर बताना चाहता हूँ माई इथर वॉलेट का। जैसा कि आप सब लोग जितने भी लीडर्स हैं, जो भी हैं लीडर्स, लास्ट 1 से 1.5 महीने से ओल्ड एडवाइजो का जो एप्लीकेशन है उसका जो पेमेंट विड्रॉल आ रहा है, वो पेमेंट आपको ऑक्सफिना टोकन के रूप में इश्यू हो रहा है। ठीक है, ऑक्सफिना का जो टोकन है वो आपको माई इथर वॉलेट के अंदर मिल रहा है। माई इथर वॉलेट बेसिकली क्या है, एक स्टोरेज हाउस है। स्टोरेज हाउस इन द सेंस ऑफ वी कैन से दैट ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, 25-30 क्रिप्टो करेंसी इस वॉलेट के ऊपर रजिस्टर्ड है, और आप इस वॉलेट के अंदर 25-30 करेंसियाँ बाई करके आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक ए स्टोरेज हाउस ऑफ सेंट्रल क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती, यहाँ पर जस्ट आप किसी भी करेंसी को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। तो माई इथर वॉलेट जस्ट लाइक ए स्टोरेज हाउस ऑफ करेंसी है। ठीक है, जैसा कि आप oxfina.com वेबसाइट से ऑक्सफिना का जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पे अपडेट करते हैं। ठीक है, अपडेट करने के बाद ओक्स का जो टोकन सिंबल है OX, वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद क्या है कि आप जब एडवाइजर से पेमेंट विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो आपको जो माई इथेरियम वॉलेट का जो वॉलेट एड्रेस है वो वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है, और इस वॉलेट एड्रेस में आपका जो ओक्सफिना का टोकन है वो आपको मिल जाता है, जितना आपका डॉलर है 7 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू सेंड ऑक्सफिना फ्रॉम माई इथर वॉलेट टू क्रिप्टोपिया एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग। तो दोस्तों जितने भी जो लीडर्स हैं एडवाइजो के, ओल्ड एडवाइजो के, उन्होंने सब ने जो पेमेंट गेटवे ऑलरेडी चेंज कर दिया है एडवाइजो की टीम ने। ऑक्सफिना टोकन आपको मिल रहा है सभी को, तो अच्छी बात है। और अभी तक मैक्सिमम लोगों को ऑक्सफिना का जो टोकन है वो मिल चुका है। जो पेमेंट का इश्यू था वो मैक्सिमम क्लियर हो चुका है, थोड़ा बहुत 5% बचा है, वो अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब ने माई इथर वॉलेट क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी फीचर्स को देखिए आप। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि माई इथर वॉलेट पर आप जो ऑक्सफिना का टोकन है उसको आप क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पे लिस्टेड है ये। ठीक है, वहाँ पे आपको कैसे सेंड करना है और प्रोसेस है वो क्या फॉलो करनी है। ठीक है, और अभी इसका बिट्स डिजिट .io एक्सचेंज आ रहा है, सेंट्रल INR एक्सचेंज। तो अभी आप कहीं भी अपना ऑक्सफिना का जो टोकन है सेंड मत करो, क्योंकि माई इथर वॉलेट में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं। सबसे पहले वो चीज़ें आप जानो अच्छी तरह से, ताकि आपको लॉस ना हो, जैसा कि मुझे ऑलरेडी 2 दिन पहले हो चुका है। जैसा कि मैंने दिखाया गया था, आप लोग जो भी वॉलेट बनाते हो, वॉलेट क्रिएट करते हो, ठीक है, उसमें न्यू वॉलेट जैसे हम बनाते हैं, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, फिर उसके बाद क्रिएट न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं, और उसके बाद की स्टोर फाइल होती है वो हम स्टोर करके रख लेते हैं अपने लैपटॉप में। उसके बाद एक प्रिंट वॉलेट होता है, तो उसको हम प्रिंट वॉलेट पर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो आपका जो वॉलेट एड्रेस और प्राइवेट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट की है यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट लाइक ए लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, अगर आपने अपना जो प्राइवेट की है वो किसी और को दे दिया, तो आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा और आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो भी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी जो हैकर्स हैं, स्टोलन करते हैं जितने भी टोकन्स वगैरह, इस तरह के जो गलत काम करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें प्राइवेट की मैंने ब्लर नहीं किया। ब्लर में इन द सेंस ऑफ जो भी टेक्स्ट आ रहे थे प्राइवेट की के, जो डिजिट्स आ रहे थे वो मैंने हाइड नहीं किया, ओपनली मैंने बना करके इस पर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास 4-5 वॉलेट है, उनमें से एक वॉलेट था जिसमें से कुछ टोकन्स पड़े थे। ठीक है, 8320 टोकन थे, बाद में उसमें और भी टोकन आ गए थे, तो उसमें टोटल 12400 के आसपास टोकन निकल गए थे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ये लॉस ना हो, आप लोगों का जो माई इथर वॉलेट है वो सिक्योर रहे, क्योंकि आपने मेहनत की है, मेहनत करके इतना कुछ अर्निंग किया है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप ये बता रहा हूँ, क्रिएट न्यू वॉलेट आप करते हैं, पासवर्ड अपना लिख के रखिए, उसके बाद की स्टोर फाइल है वो आप नोट करके रखिए। ठीक है, की स्टोर फाइल नोट करके रखिए, फिर उसके बाद प्रिंट वॉलेट करते हैं, तो उसमें आपका वॉलेट एड्रेस और प्राइवेट की दो चीज़ आता है, उसको भी आप नोट करके रखिए और प्रिंट करके रखिए। तीसरी बात,
सवाल ये होता है कि जैसे हम प्राइवेट की से हम जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने से पहले व्यू वॉलेट इन्फो पे हमें क्लिक करना होता है। जैसे हम व्यू वॉलेट इन्फो पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आते हैं अपने पास। फर्स्ट मेटामास्क एक वॉलेट है, लेजर वॉलेट है, ट्रेजर, डिजिटल बिटबॉक्स, की स्टोर फाइल, मैनेमोनिक फ्रेज और प्राइवेट की व्यू विद एड्रेस ऑन। ये 3 और 3 6 और 2 8, 8 ऑप्शन हैं। आप इन 8 ऑप्शंस को यूज़ करके अपने वॉलेट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपना जो वॉलेट लॉगिन करते हैं माई इथर वॉलेट, तो सबसे पहले मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं प्राइवेट की, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्लिक किया प्राइवेट की के ऊपर और यहाँ पे प्राइवेट की आप लोग पेस्ट कर देते हो, तो मैंने वो प्राइवेट की यहाँ पे पेस्ट कर दी थी। किसी ने वो प्राइवेट की याद रख के जैसे भी करके वो टाइप करके मेरे वॉलेट से जो भी गलत काम है, टोकन स्टोलन कर लिया, चोरी कर लिया 1 लाख रुपए के आसपास, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो गलत काम करते हैं उनके साथ गलत ही होगा, अच्छा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, टोकन गया कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ लॉस ना हो, तो उसके लिए मैं ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ कि आप अपने वॉलेट को सिक्योर कैसे करें। सबसे पहले तो आप प्राइवेट की किसी को भी ना बताएं जब तक आपको ट्रस्ट ना हो। आप अपने अपलाइन के साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी किसी के साथ शेयर मत कीजिए प्राइवेट की, पहली ये बात है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए प्राइवेट की यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर प्राइवेट की पेस्ट करते हैं, फिर अनलॉक का ऑप्शन आता है तो हमारा वॉलेट ओपन हो जाता है और उसमें हमारा जो वॉलेट एड्रेस है वो भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जैसे वॉलेट एड्रेस रिफ्लेक्ट होता है तो उसके बाद हम उस वॉलेट एड्रेस को यूज़ करते हैं कहीं भी, जो भी ट्रेडिंग वगैरह है, जहाँ भी आपको भेजना है वो अलग है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने वॉलेट को सिक्योर कैसे रखें। आप अपने वॉलेट को लॉगिन करने के लिए प्राइवेट की का यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है की स्टोर फाइल। जैसे आपने शुरू में बनाया था अपना जो वॉलेट, उसमें की स्टोर फाइल जो आपने स्टोरेज किया था, जस्ट लाइक ए PDF फॉर्मेट है, वो आपका जो डाउनलोड का ऑप्शन है लैपटॉप में वहाँ पर स्टोर हो जाता है, या किसी ड्राइव में आपने स्टोर किया था। की स्टोर फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो वॉलेट की जो की स्टोर फाइल है उस पर एक क्लिक और करना पड़ेगा। जैसे ये नीचे आया है कि सेलेक्ट वॉलेट फाइल, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपने जहाँ पे सेव कर रखा है वहाँ से डबल क्लिक करके वो की स्टोर फाइल को एक्सेप्ट कर लेगा और नीचे आपने जो पासवर्ड डाला था वो आ जाएगा, राइट साइड में अनलॉक होगा, फिर क्लिक कीजिए। तो लॉगिन करने का सबसे इम्पोर्टेंट और सिक्योर माध्यम है की स्टोर फाइल, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्राइवेट की, दूसरा की स्टोर फाइल, तीसरा है व्यू वॉलेट एड्रेस ओनली। व्यू वॉलेट एड्रेस से क्या है कि आप अपना जो वॉलेट एड्रेस है वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पेयरिटी फ्रेजेस आपको चाहिए जो नो लॉन्गर सपोर्टेड होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि की स्टोर फाइल और प्राइवेट की, ये आप दोनों के पास होना चाहिए। और लॉगिन करने के लिए ट्राई कीजिए की स्टोर फाइल का, और प्राइवेट की आप किसी को मत दीजिए, ठीक है। और ऐसा करेंगे तो आपके पास जो भी ऑक्सफिना का जो ऑक्स टोकन आपको अभी मिला है वो सिक्योर है, और अभी आप ऑक्सफिना का जो टोकन है उसको सिक्योर करके रखिए, ठीक है। उसको होल्ड कीजिए 2 से 3 वीक, क्योंकि अभी अगर आप क्रिप्टो पे आप सेंड करेंगे और आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे आपका माई इथर वॉलेट के अंदर इथेरियम कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग करते हैं वॉलेट से ऑक्स पे नगद टोकन क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पे सेंड करेंगे, या बिट्स डिजिट डॉट IO, नई एक्सचेंज आ रही है बिट्स डिजिट डॉट IO, उस पर सेंड करेंगे तो फीस है वो इथेरियम के रूप में यहाँ पे कटेगी, ठीक है। जितने भी फीस आपके लगेगी तो इसके अंदर 0.02 इथेरियम मिनिमम होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, 0.02, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिट्रेक्स पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, या पोलोनिक्स पर, नोवा एक्सचेंज पर, क्रिप्टो पेपर, कहीं भी एक्सचेंज पे आप अकाउंट बनाइए, वहाँ पर बिटकॉइन सेंड कीजिए, ठीक है, जेप पे से या ब्लॉकचेन से। फिर उस बिटकॉइन से आप 10 से 15 रुपए का इथेरियम बाई कीजिए, या 100 150 रुपये या 200 रुपये का, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप यहाँ से सेंड कीजिए। लेकिन अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस वॉलेट के अंदर, ठीक है। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सुनने को मिली है कि उन्होंने माई इथर वॉलेट से ये ऑक्सफिना का जो टोकन है वो सेंड किया क्रिप्टोपिया पे। यहाँ पर तो वो दिखा रहा है ट्रांजेक्शन हैश कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन वहाँ पर वो पहुँचा नहीं है। तो इस तरह की दिक्कतें आ रखी हैं, तो आप जल्दबाजी मत कीजिए, अभी इतना वेट किया तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। इसका जो INR एक्सचेंज आ रहा है वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे माई इथर वॉलेट से आप ऑक्सफिना टोकन को वहाँ पर सेंड कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप होल्ड कीजिए जितने भी आपके पास ऑक्सफिना का टोकन है, 1 से 2 वीक के अंदर आपको सारी जानकारी
गारंटी दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूँ आपका वॉलेट सिक्योर रहे, उसके लिए जो सिक्योरिटी मेजर्स है इसको अपनाइए आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से जानकारी मिलती रहे हर चीज़ की। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।